हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो अभी अभी खबर आ रही है कि जो एमसीडी पीआरटी है उसका रिजल्ट आउट हो चुका है। तो ये खबर मेरे पास काफ़ी टाइम पहले आई थी, लेकिन जैसे ही लॉगिन किया तो साइट चल नहीं रही थी, इस वजह से आपको न्यूज़ बता नहीं पाया। जैसा आप जानते हैं कि इस चैनल पर कोई भी चीज़ पूरी तरह से चेक करके बताई जाती है। तो साथियों, जैसा मैंने वहाँ पे चेक किया बाद में, तो वहाँ पे अभी मार्क्स शो हो रहे हैं। जैसे आप अपनी प्रोफाइल में जाके डीएसएसबी लॉगिन में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको आपके मार्क्स दिख जाएंगे, लेकिन अभी साइट बिजी चल रही है, अभी साइट ओपन नहीं हो रही है। तो अभी देखते हैं कितनी देर में साइट चल जाएगी दोबारा। तो ये ओरिजिनल है, बिल्कुल फेक न्यूज़ नहीं है, क्योंकि पहले मुझे भी लगा कि फेक न्यूज़ है, लेकिन फेक न्यूज़ नहीं है, जेन्युइन न्यूज़ है। और मेरे पास काफ़ी फ्रेंड्स के क्वेश्चन भी आ रहे थे, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ये बिल्कुल साइट पे मैंने चेक किया है। और इसके बाद जो मार्क्स हैं वो बताया जा रहा है कि काफ़ी मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं बच्चों के। तो अभी देखते हैं, ये चीज़ें कल तक क्लियर हो जाएंगी, तो अभी देखते हैं क्या अपडेट रहती है। हालांकि डीएसएसबी की जो साइट है अभी बंद पड़ी है, रिजल्ट फाइनल अभी नहीं आया, ओनली मार्क्स शो हो रहे हैं, ये आप घबराएं नहीं। अभी हालांकि मैंने 28 वालों के 148 तक मार्क्स देखे हैं, तो इसका मतलब है कि उनके मार्क्स अभी डिलीट नहीं करें, नॉर्मलाइजेशन शायद इसके बाद होगा, देखते हैं क्या होता है। वो सारी चीज़ें डीएसएसबी के हाथ में है। जहां तक मेरा अंदाज़ा है, डीएसएसबी ने ये जो मार्क्स दिखाए इस वजह से दिखाए कि बच्चे वहां पे मीटिंग ना करें, ऐसा कुछ हो सकता है। तो साथियों, ये थी अपडेट, और अगर अपडेट होगी तो आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।